चलिए बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने बेटा सेल वॉल का इंट्रोडक्शन दिया था। हमने कहा था सेल वॉल जो है ये एक एक्सटर्नल कवरिंग है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये नॉन लिविंग है, ये रिजिड है, और ये बना है एक पॉलीसैकेराइड से, एक सेलुलोज से, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं बेटा? सेलुलोज। और ये सेलुलोज से ही क्यों बना है? क्योंकि सेलुलोज इसको क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने कहा था ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करता है, इसको हमने डिस्टिंग्विश किया है तीन किस्म के वॉल्स में, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। आज हम पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो बेटा प्राइमरी सेल वॉल है इसको हम कहते हैं बोथ द साइड्स ऑफ, बोथ द साइड्स ऑफ मिडल लैमेले, मिडल लैमेले, बोथ द साइड्स ऑफ मिडल लैमेले। ये कहाँ पे होता है? बोथ द साइड्स ऑफ मिडल लैमेले। मिडल लैमेले क्या होता है बेटा? कल हमने कहा था द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट कंटेनिंग लेयर्स कॉल्ड मिडल लैमेले। ठीक है बेटा, तो ये मिडल लैमेले के बोथ साइड्स में होता है, ए थिन फ्लेक्सिबल, ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ए थिन फ्लेक्सिबल, ए थिन फ्लेक्सिबल लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है बेटा? सेलुलोज से। इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। तो क्या होता है आप प्राइमरी सेल वॉल? वो सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है बोथ साइड, किसके बोथ साइड? मिडल लैमेले। और ये एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद बेटा दूसरा, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है बेटा? हम कहते हैं इट लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल, इट लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये कहां पे होता है? इनसाइड द प्राइमरी वॉल एंड इज थिक, एंड इज थिक। प्राइमरी वॉल क्या था बेटा? थिन। ये क्या होता है? थिक। एंड इज थिक एंड मेड अप ऑफ, एंड मेड अप ऑफ, किसे बना होता है? लिग्निन, लिग्निन, अनदर हार्ड मटेरियल, लिग्निन एंड सेलुलोज। तो ये बेटा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो सेकेंडरी वॉल हम किसे बोलते हैं? वो वॉल जो कहां पे होता है? प्राइमरी वॉल में। और बेटा ये थिक होता है और ये बना होता है लिग्निन एंड सेलुलोज। तीसरा, टर्शियरी वॉल, टर्शियरी वॉल, टर्शियरी वॉल अब क्या होता है? दिस लेयर इज फाउंड ओनली, दिस लेयर इज फाउंड ओनली। ये कहां पे प्रेजेंट होती है? दिस लेयर इज फाउंड ओनली इन, दिस लेयर इज फाउंड ओनली इन सम प्लांट सेल्स। कहां पे बेटा? सम प्लांट सेल्स। ये लेयर प्रेजेंट होती है खाली किन में? प्लांट सेल्स में। इट लाइज, इट लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, इट लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो टर्शियरी वॉल का मतलब क्या है? टर्शियरी सेल वॉल का वो लेयर जो कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और ये लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ये जो बेटा हमारा सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है, मैं ये रब करूं तो देखिए बेटा हम कहते हैं ये जो सेल वॉल है ये प्रोवाइड करता है न्यूमेरस पोर्स। क्या करता है प्रोवाइड? न्यूमेरस पोर्स। द सेल वॉल प्रोवाइडेड द सेल वॉल प्रोवाइडेड विद न्यूमेरस पोर्स द सेल वॉल प्रोवाइडेड विद न्यूमेरस पोर्स through which one cell is combined with another cell। सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं और इन पोर्स से एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो जाती है। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडस मेटा। These pores are called plasmodes meta। इनको हम क्या बोलते हैं? Plasmodes meta। क्यों बेटा? By which ये इसी प्लाज्मोडस मेटा की वजह से होता है। क्या? By which cell to cell continuity of protoplasm and food material is maintained। इसी की वजह से सेल टू सेल कनेक्टिविटी एंड फूड मटेरियल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। अब देखिए बेटा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है? It gives shape and size to an organ or organism। यही सेल की शेप और साइज को मेंटेन रखता है। दूसरा फंक्शन it is protective layer and provide mechanical support। ये protective layer होती है जो क्या provide करती है? mechanical support। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो क्या करती है? प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट। It also gives support to plasma membrane and cytoplasm
एंड साइटोप्लाज्म। फंक्शन नंबर फोर्थ, इट परमिट्स यही परमिट करता है बेटा, क्या करता है परमिट द प्लांट सेल, यही प्लांट सेल को परमिट करता है द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। वाटर कब एंटर होना है, वाटर कब लॉस्ट करना है। एंड फिफ्थ वन इज इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है बेटा, ये किन के फंक्शंस है, सेल वॉल के। उसके बाद बेटा सेल वॉल का ओरिजिन कैसे हुआ है, हम कहते हैं बेटा ये जो हमारा सेल वॉल है इसका ओरिजिन कब और कैसे हुआ है। हम कहते हैं एस सेल वॉल इज ऑर्गेनाइज्ड एट टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करती है माइटोसिस। ठीक है बेटा, तभी बेटा सेल वॉल बनता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज स्टेज। द प्लेस ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की प्लेस होती है, इज डिटरमाइंड बाय उनको कौन डिटरमाइन करता है, इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बेटा सेल वॉल कब बनता है, ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल फ्यूजन, और इसकी प्लेस को कौन डिटरमाइन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, सेल वॉल। ठीक है बेटा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, इनमें क्या डिफरेंस है, और हमने पढ़ा सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इट गिव्स शेप एंड साइज टू एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, यही शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये बेटा सपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को, और ये बेटा परमिट करती है प्लांट सेल को टू मेंटेन द वाटर प्रेशर, और ये फ्रीली परमेबल होती है वाटर को और बाकी सब्सटेंसेस को इन सॉल्यूशन।